नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हम कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। पुलिस चौकी से 3 किलोमीटर दूर चोरों ने एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया और लाखों का सामान सहित हजारों की नकदी लेकर शातिर चोर फरार हो गया, जिसके बाद चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो 3 घरों को चोरों ने बनाया अपना निशाना और इन घरों से चोरों ने कई सामान लेकर चोरी कर वो फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। औरैया के शहर कोतवाली इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और इलाके की घेराबंदी करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हम इटावा थे, इटावा से फोन किया है भाई ने, छोटे वाले ने हमसे छोटा है उसने, ये सबसे छोटा था। क्या कारण है फांसी का? इसकी औरत से और रोज लड़ाई होती थी, कल होता था, कल औरत इसकी सामान भरवा के अपने मायके ले जा रही थी, इसीलिए विवाद में इसने फांसी लगा ली। इसने मना किया, ये नहीं मानी, जब लड़ाई करी बहुत, इसलिए। ताजनगरी आगरा के थाना जैतपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक आवारा गौवंश से टकरा गई। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और थोड़ी देर में बाद घायल ही मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहगीरों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचित किया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आगरा में आवारा पशु से टकराई युवक की बाइक, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव इस बार बेहद चर्चा में है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की वजह से काफी बढ़ गई हैं। तो उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल के चुनावी मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की आबोहवा में हलचल तेज हो गई है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा और गुजरात निकाय चुनाव में सफलता का स्वाद चखने के बाद ओवैसी का हौसला बुलंद हुआ है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि ओवैसी ने सूबे में चुनाव लड़ने का फैसला चौथे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख को किया है। इससे पहले खबर थी कि इंडियन सेक्युलर के बंगाल में चुनाव लड़ने की वजह से ओवैसी की पार्टी चुनाव मैदान में नहीं होगी। आपको बता दें कि अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत आजमाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बता दें कि बीते कुछ महीनों से ओवैसी ने कई बार बंगाल का दौरा किया। ओवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद अब कहा जाने लगा है कि एमआईएम टीएमसी की वोट में सेंध लगा सकती है। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। बिहार में 5 सीटों पर एमआईएम ने जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में एमआईएम संगठन में बड़ी भूमिका निभाने वाले जमीरुल हसन अब ओवैसी को छोड़कर खुद बंगाल में इंडियन नेशनल लीग का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लीग वही पार्टी है जो साल 1994 तक मुस्लिम लीग के साथ थी। ऐसे में ओवैसी की ओर से चुनाव लड़ने का ऐलान करना वाकई दिलचस्प बात है। इससे पहले एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 25 फरवरी को होने वाली रैली को पुलिस से अनुमति नहीं मिलने की वजह से रद्द कर दिया गया था। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि ओवैसी को अल्पसंख्यक बहुल
मोतिया बुर्ज इलाके में रैली के जरिए बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रचार अभियान का आगाज करना था। देश की तमाम सेक्युलर पार्टियों और मुसलमानों के अलग अलग समूहों की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बंगाल चुनाव मैदान में उतर रही है। वहीं अब ऐसे सवालों के और ज्यादा उठाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने ऐसे वक्त में चुनाव लड़ने का फैसला किया है जब सूबे में 4 चरणों का नामांकन अपनी समाप्ति की ओर है और बाकी 4 चरणों में मुस्लिम वोटरों की संख्या खासी बताई जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने से ध्रुवीकरण की राजनीति पर कितना जोर पड़ता है और ओवैसी के चुनावी रण में उतरने से बीजेपी को फायदा होगा या टीएमसी को नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के पत्र के बाद से महाराष्ट्र सरकार में उथल पुथल मची हुई है। पूरी विपक्ष राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई में इन दिनों पूर्व कमिश्नर के लेटर ने राजनीतिक गलियारों की गर्मी बढ़ा दी है। जैसे ही पूर्व कमिश्नर ने गृह मंत्री देशमुख पर उगाही के आरोप लगाए, उसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। खासकर बीजेपी राज्य में लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। इस बीच एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार लगातार महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे, इस वजह से वाजे से उनकी बातचीत का सवाल ही नहीं उठता है। बकौल पवार, फरवरी में अनिल देशमुख और वाजे की बात होने का तथ्य पूरी तरह से गलत है। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो पीरियड अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड को कोई ताकत नहीं। जहां एक तरफ शरद पवार देशमुख का बचाव कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। बीजेपी का तो यहां तक का कहना है कि इस सरकार को बनाने का काम भी खुद शरद पवार ने किया है और इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर लिए। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करें और इसलिए माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, इस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। ये बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमेटी, ये परमवीर सिंह इनकी अध्यक्षता में ही थी, नियम के अनुसार उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह वाजे को दी गई, सारे महत्वपूर्ण केसेस वाजे इनको दिए गए। क्या सरकार को यह पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सोए थे? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया, लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया। इन सब बवाल के बीच जांच एजेंसियां अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही हैं, तो वाजे और भी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाजे की गिरफ्तारी के बाद एनआईए की एक टीम ने वाजे के ऑफिस को सर्च किया, जिसके बाद उन्हें वहां से कई चीजें बरामद हुई। एनआईए का दावा है कि
उसमें से जो एक डायरी मिली है जो कई राज पर से पर्दा उठा सकती है। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि उन्हें वाजे के ऑफिस से एक डायरी मिली है जिसमें पैसों के लेनदेन के बारे में एंट्री दिखाई दे रही है और यह एंट्री भी कोड वर्ड में की गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये उन पैसों के लेनदेन का हिसाब किताब हो सकता है जिसे बार, रेस्टोरेंट और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कलेक्ट किया जाता था। तो देखा आपने कि इन दिनों मुंबई में काफी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत की आग की आग को ठंडा ही नहीं होने देना चाहता है। यही कारण है कि बीजेपी ने संसद में भी इस कांड को लेकर जमकर बवाल काटा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी लेटर बम वाले कांड को ठंडे बस्ते में नहीं डालने वाली। बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसे शिवसेना को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। बीजेपी इस मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। गौरतलब है कि लोकसभा में भाजपा के सांसदों ने महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुद्दा उठाया और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इसी दौरान निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सवाल उठाया कि जिस पुलिस अधिकारी को 16 वर्ष तक निलंबित रखा गया उसे महाराष्ट्र में शिवसेना नीत महाविकास अघाड़ी सरकार आते ही बहाल क्यों कर दिया गया। महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन बाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें जॉइनिंग नहीं कराई। नवनीत राणा यही नहीं रुकी, उन्होंने एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने उद्धव सरकार पर महाराष्ट्र में वसूली करने के भी आरोप लगाए। मालूम हो कि जब से परमवीर सिंह ने अपने लेटर में वसूली की बात कही है तब से विपक्ष लगातार उद्धव सरकार से सवाल कर रहा है। वहीं अब नवनीत राणा ने भी संसद में उन पर वसूली के आरोप लगाए हैं। देखते हैं अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, दो मिनट सर। जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है, और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती। वही इस घटना के बाद ये मामला यही नहीं थम रहा। अब नवनीत राणा ने ओम बिरला को भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें संसद की लॉबी में जेल में डालने और देख लेने की धमकी दी। उधर अरविंद सावंत ने आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है। सरासर झूठ। हमने जिंदगी में, एक तो महिला है पहली बार, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उससे साथ बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इतना घृणा है। लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना, और महिला को, मैं शिवसैनिक को इतना ध्यान में रखू, महिला को धमकाने वाला काम करते मैंने कभी धमकाया है? उसके एविडेंस अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। रही बात उनकी, जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है।
फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको, पूछो आज तक, वो तो पहले से करते आई है, आज कर रही क्या बातें इस तरह से, आज भी वही हुआ वो बात कर रही थी। हम तो क्योंकि जनतंत्र पर आज आघात होगा, उल्टा शून्य प्रहर में भारतीय जनता पार्टी के छह छह सदस्य खड़े हो जाते हैं और हर एक को अनुमति दी जाती है और वही हर एक जन वही विषय दोहराता है, इसमें ये भी खड़ी होगी और फिर हम लोग इनके खिलाफ वेल में जाकर चिल्ला रहे थे। जाते समय ऐसा क्यों बोलू, क्यों धमकाओ, धमकाने की क्या, लेकिन ये अच्छी तरह से बात नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं है। वसूली कांड से शुरू हुआ मामला अब धमकी कांड का रूप लेता जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में इतनी उथल पुथल आज तक के राजनीतिक इतिहास में नहीं देखी गई। खैर, विपक्ष के इसी अच्छा मुद्दा भी सरकार को घेरने का नहीं मिलेगा। विपक्ष को अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे की आग में और कितने नेता जलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।